नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप लाइफ डेमो देंगे कि आप अपनी प्रेफरेंस को कैसे भर सकते हैं। और ज़्यादातर कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने जेल वार्डन का फॉर्म भरा था या हमने फायरमैन का फॉर्म भरा था, तो हमें प्रेफरेंस भरना है कि नहीं भरना है। जिन लोगों ने एक ही फॉर्म भरा है उन्हें प्रेफरेंस नहीं भरनी है, क्योंकि उनकी तो प्रेफरेंस ऑलरेडी वही हो जाएगा ना जो उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। तो आपको प्रीफरेंस भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं प्रीफरेंस भरनी है। जैसे किसी ने जेल बॉर्डर का भरा है तो उसे प्रीफरेंस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक ही फॉर्म भरा हुआ है तो उसकी। और जिसने जेल बॉर्डर फायरमैन दोनों का भरा है उनके लिए प्रीफरेंस वरीयता मांगी गई है, तो उनको कैसे भरना है उसका लाइफ डेमो इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना जिससे कि आपको मालूम पड़ पाए। तो आपको ऑफिशियल साइट पर आना है और यहाँ पर इसकी साइट की लिंक दे दूँगा वीडियो में, उसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ पर आकर के आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है वरीयता क्रम मांगे जाने हेतु लिंक, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस पे ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर पहले ही नोटिस में दिया हुआ है कि फायरमैन का आपको यहाँ पर भरना है एप्लीकेशन नंबर, DOV, उसके बाद आपको क्या भरना है, कैप्चर कोड भरना है, ठीक है। तो फायरमैन का भरना है। अब कोई भी यहाँ जेल वार्डन का ना भरे, अगर भरेगा तो इनवैलिड बताएगा पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फायरमैन का भर लीजिए, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो हम भर लेते हैं और लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भर के यहाँ पे कैप्चर कोड डाल लेना, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अब देखिए इसमें कुछ इस तरह से पॉपअप विंडो खुलेगा, इसमें लिखा हुआ स्टेप 2, और स्टेप 2 यानी लिखा है जेल वार्डन ऑब्लिक कॉन्स्टेबल लॉगिन, यानी अब जेल बॉर्डर वाले यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर जेल बॉर्डर वाला डालिए, यहाँ पर अपनी DOB डालिए, कैप्चर कोड डालिए, उसके बाद लॉगिन करिए। तो अब जेल बॉर्डर का डालना है, ठीक है। तो हम जेल बॉर्डर का डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन सी पॉपअप विंडो आएगी और उसमें आपको कैसे भरना है, ठीक है। तो चलिए हम डालते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने डाल लिया है, यहाँ पर अब हमें लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉग इन कर लीजिए, उसके बाद आपको जो विंडो खुलेगी उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए कुछ ऊपर का पेज इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे जैसे नाम लिख के आएगा, जैसे मेरा नाम लिख के आ रहा है, उसके बाद यहाँ प्रीफ्रेंस और यहाँ पे प्रीव्यू और कैंडिडेट का नाम, ये नाम तो दे दिया है उन्होंने, तो यहाँ पर नीचे की साइड पर आपको दिया हुआ उसको भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर, जैसे मेरा यहाँ नाम दे रहा है, DOV यहाँ पे लिखी हुई है, मेरे पिताजी का नाम लिखा है, उसके बाद यहाँ पर आपको फायरमैन का एप्लीकेशन नंबर देगा, जेल वार्डन का एप्लीकेशन नंबर देगा, अगर आपकी डिटेल मैच करती है तो इस प्रकार से दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वो किस प्रकार से होगा तो वो देख लीजिए, इस प्रकार से इसी के नीचे ही होगा दूसरा पेज, यही पेज है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीफ्रेंस फर्स्ट देनी है, प्रीफ्रेंस सेकेंड देनी है, यहाँ पर प्रीफ्रेंस थर्ड, उसके बाद यहाँ पर आप टिक कर लेना। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना, और जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तब आपका नेक्स्ट पॉपअप खुल के आएगा। चलिए वो हम खोल के तब आपको बताते हैं। तो देखिए उसके बाद आपको जैसे प्रीफ्रेंस भर के आप वहाँ पे करते हो लॉगिन, तो उसके बाद जैसे सबमिट सेव एंड कंटिन्यू करते हो तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट का आपका नाम, DOB, फादर का नाम, उसके बाद आपका जेल वार्डन का, फायरमैन का, दोनों का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रीफ्रेंस दिखा देगा, यहाँ से आप जाकर के प्रिंट उसे निकाल लेना। इस तरीके से आप अपनी प्रीफ्रेंस पूरी भर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया लाइफ डेमो देखिए आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी अभी भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ लेना। और मैं एक बार बता देता हूँ फिर से, जिन्होंने फायरमैन का ही भरा है उन्हें कोई भरने की ज़रूरत नहीं भरी था, जिन्हें जेल वार्डन का भरा है वो जिन्हें भरने की ज़रूरत नहीं, जिन दोनों का भरा है, जिन्होंने दोनों का भरा है उन्हें ज़रूरत है इन प्रीफ्रेंस को देने की, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी जानकारी हो पाए कि उन्हें कैसे फॉर्म भरना है। चलिए आप फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।